हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिक्शा पुलर्स ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों शीट हमारे पास रहने वाली है, कार्ट्रिज हमेशा की तरह। स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों स्टेडलर कलर पेंसिल के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ब्लू कलर की स्टेडलर कलर पेंसिल है। तो किसी भी स्केच को ड्रॉ करने के लिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, तो स्टार्टिंग में दोस्तों यहाँ पर आराम से ही जो है आपको दिखाने वाला हूँ कि स्टिक फिगर्स हम किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों हर एक स्टेप को, क्योंकि देखिए आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब अगर हम आराम आराम से भी अपना फिगर ड्राइंग अटेम्प्ट करते हैं। तो मैंने बहुत आराम से दोस्तों कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि हर एक स्टेप को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने शोल्डर्स के लिए लाइन ले लेंगे। शोल्डर के लिए मैंने इस बार जो नेक वाला स्पेस है दोस्तों, वो मैंने कम लिया है, क्योंकि नेक जो है हाथों के ऊपर होने की वजह से काफ़ी कम जो है दिखाई देगी। तो नेक का भी दोस्तों आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना होगा कि अगर नेक आपकी कम दिखाई दे रही है या हाथों की पोजीशन ज़्यादा ऊपर हो गई है, तो उस हिसाब से आपको जो अपनी शोल्डर के लिए जो लाइन लेनी पड़ती है दोस्तों, उसको ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पर हम यही जो है काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आराम आराम से मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। सो आई होप आपको जो है सारे स्टेप्स अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आएंगे एंड आपको चीज़ें थोड़ी सी आसान लगेगी एंड आप भी जो है दोस्तों कोशिश करेंगे इस फिगर ड्राइंग को अटेम्प्ट करने की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चीज़ देखिए, ऊपर से तो मैंने स्टिक को पूरा बनाया है, बट नीचे से मैंने जो है अपना जो क्लोथिंग वाला एरिया है अपने फिगर का, उसको जो है यहाँ पर ले लिया है। यानी कि आप मिक्सअप भी अपना जो है एग्ज़ाम टाइम पे कर सकते हैं। लाइक जितना आपको जो है अटेम्प्ट करना है स्टिक में, उसका स्टिक में अटेम्प्ट करिए और बाकी चीज़ को क्लोथिंग में अटेम्प्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास जो है ब्लैक कलर पेंसिल मैंने ले ली है, ताकि एक डिफ्रेंशिएशन मेरी स्टिक ड्राइंग में और जो मेन ड्राइंग है उसमें बना रहे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, हाथ बस मेरा जो है कंटिन्यूस चल रहा है यहाँ पर। इस बात पे ऊपर आपको ध्यान देना है कि हाथ कंटिन्यूस अपना चलाते रहिए और फिगर ड्राइंग को धीरे धीरे आप जो है अपना अटेम्प्ट करते रहिए। तो अब जैसे फोरहेड पे दोस्तों देखिए हल्के से जो बाल है, फिर जो रिक्शा पुलर, जैसे आपने दोस्तों अगर आपने किसी फोटोग्राफी में देखा हो या किसी मूवीज़ में देखा हो, पुराने टाइम पे जो रिक्शा पुलर्स होते थे, तो भाई वो सर पे अपना कपड़ा भी जो है बांधते थे, क्योंकि पसीना बहुत आ जाता था एंड सिंपल सी बात है दोस्तों, इतनी गर्मी में जो है रिक्शा चलाना काफ़ी आसान बात नहीं होती थी। तो उनका जो पूरा एक जो ओवरऑल गेटअप होता था, वो थोड़ा सा भी पैरों में जो है लुंगी टाइप बांध लेना ताकि थोड़ा सा फ्रीडम रहे, एंड ऊपर शर्ट या फिर कोई कोई बलियान में भी जो है अपने भागते थे। तो एक पूरा वही गेटअप जो है हम यहाँ पर दोस्तों देने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल आराम से दोस्तों मैं सारे स्टेप्स को आपके सामने अटेम्प्ट कर रहा हूँ, सो डैट आप भी अच्छे तरीके से देख पाएंगे एंड साथ के साथ दोस्तों अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो अब दोस्तों मेरा जो कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, वो मैं जो है डिफरेंट तरीके से दोस्तों लाने वाला हूँ। यानी कि अब मैं दोस्तों कोशिश करूँगा कि हर एक लाइक जैसे रिक्शा पुलर है, ऑटो रिक्शा वाला है, टैक्सी ड्राइवर है एंड पानीपुरी वाला है, ये जो रेहड़ी वाले होते हैं, बैगर्स हैं, तो हर एक इंडिविजुअल जो है दोस्तों मैं आपको फिगर बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों अब देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं जितना ज़्यादा आपके साथ रिलेट कर पाऊँगा, आई होप आपकी हेल्प दोस्तों मैं उतना ज़्यादा कर पाऊँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं, जो मेरे बहुत सारे दोस्त बिगनर हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि हर एक डिफरेंट टाइप की ड्राइंग्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए या उसको बनाने के लिए जो तरीके हैं, उस तरीकों को जो हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एंड सराउंडिंग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारा जो ये फिगर ड्राइंग है वो अटेम्प्ट हो रहा है एंड हाथों के कंटिन्यूशन से लेकर के रेफरेंस लाइंस जो हम अपने तरीके से जो है लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे दोस्तों ध्यान दीजिए, फोकस करिए कि देखिए पहले मैं किसी भी चीज़ को बना रहा हूँ तो दोस्तों उसका एक हल्का सा जो है रेफरेंस का आइडिया ज़रूर ले रहा हूँ, ताकि मैं जब उस लाइन को बनाऊँ तो मैं श्योर रहूँ अंदर से कि हाँ मुझे एग्जैक्ट वही लाइन बनानी है। और ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का रुक करके थोड़ा सा स्ट्रोक्स के साथ भी अपनी जो है लाइन्स आप लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्ट्रोक्स का मतलब है दोस्तों कि पेंसिल को जिस तरीके से एकदम झटके से आप जब खींचते हैं, सो वो भी एक अलग ही इंप्रेशन आपकी ड्राइंग में लाता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए हल्का फुल्का जो लाइन होगी, अब जैसे शर्ट के बीच की जो लाइन है उसको मैं मेज़र कर लूँगा कि वो कितना नीचे तक आ रही है एंड उसके बाद इस तरीके से डिवीज़न दे देंगे एंड डिवीज़न दे लेने के बाद उसके ऊपर की तरफ जो उसका पोर्शन जा रहा होगा उसको कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हमारा जो ड्राइंग है, यानी कि धीरे धीरे गेटअप देखिए अपने आप दोस्तों निकलना शुरू होता है। रिलेट करना,
इस चीज़ को दोस्तों आपको समझना होगा कि जब आप रिलेट करते हैं चीज़ों को एक दूसरे के साथ तो आपकी चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। यानी कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं ह्यूमन फिगर्स में, स्टिल लाइफ में, पोर्ट्रेट में, तो आपको ना एक अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे अगला स्टेप कितना दूर बनाना है। अब वो चीज़ दोस्तों एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई एग्जैक्ट डिट्टो आप कितना लें, क्योंकि जिस फिगर ड्राइंग को हम कर रहे हैं करंटली वो हर एक की सिचुएशन दोस्तों अलग है। यहाँ मैं ये बना रहा हूँ तो मेरी अलग है, आप अपने घर पर बैठ के बनाएंगे तो आपकी अलग होगी। तो रिलेट करना भी दोस्तों आप सीखें थोड़ा फ्री हैंड स्केचिंग में, रिलेटिवली जो आप अपना काम करें, तो स्टिक फिगर का सिर्फ एक आइडिया लेकर के बाकी चीज़ों को खुद से जो है बनाने की दोस्तों कोशिश करें। एंड यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस तरीके से हम जो है चीज़ों को अटैम्प्ट कर रहे हैं। अपर पोर्शन तो लगभग जो है रेडी हो चुका है एंड उसके हिसाब से हम जो है अब यहाँ पर लोअर जो है बना रहे हैं। सो लोअर में आप देख पा रहे होंगे कि नीचे दोस्तों लुंगी ही जो है बना रहे हैं हम हल्का कपड़ा, और उस कपड़े के फोल्ड और ये लाइन्स आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से। देखिए दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा आराम से जो आपको समझा पाऊँ, एटलीस्ट ये जो पहले फिगर है ये बढ़िया तरीके से आप समझ पाएँ। सेकंड में मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया है ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो एंड आपको समझ में जो है चीज़ें अच्छे से आ जाएँ। और ये देखिए मेन चीज़ को मैंने यहाँ पर डार्क भी कर दिया है, कि भाई जो ज़्यादा डार्क फोल्ड है उसको डार्कली शो कर दिया है एंड बस उसी हिसाब से शेड्स को हल्का हल्का लगाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है ताकि फिगर मेरा हाईलाइटेड रहे। और बस इस तरीके से हमारे जो फिगर यहाँ पर रेडी होने वाला है दोस्तों। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कि एक फिगर बन जाने के बाद जो पीछे का जो गेटअप है वो लाइटली जब ड्रॉ हो जाता है तो ना दिमाग में भी विजन्स क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। लाइक आपको लगता है कि हाँ, जब ये ब्लर इतना अच्छे से जो है नज़र आ रहा है, एक जो इमेज मैं क्रिएट करना चाहता था वो अच्छे तरीके से अगर हो चुकी है इस लाइन्स के थ्रू, तो अब मैं डिटेल्स जो है उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो वही जो चीज़ दोस्तों हम इसमें जो है करेंगे कि अब ये सब चीज़ हो जाने के बाद तो कलर पेंसिल को मैंने दोस्तों ब्लू ही चूज़ कर लिया है, कि मैंने कहा थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ब्लैक एंड ब्लू का बना रहेगा फिगर्स में। और स्टेप बाय स्टेप भी दोस्तों इस फिगर में वही काम करेंगे जो कि हमने अपने मेन रिक्शा पुलर वाले फिगर में किया है। तो देखिए दोस्तों, जब ड्राइंग्स के ना टाइप्स बहुत सारे हैं, मतलब इतने सारे टाइप्स हैं कि आप अगर एक डेली भी दोस्तों 5 फिगर अपने टारगेट सेट कर लेते हैं ना, तो मेरे हिसाब से दोस्तों वो बहुत बड़ी चीज़ रहेगी आपके लिए कि आप 5 फिगर डिफरेंट जो है प्रोफेशन के जो है सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक कोई भी आप जो है बना लीजिए, रिक्शा पुलर बना लीजिए, बैगर बना लीजिए, पानी पूड़ी वाला बना लीजिए, रेहड़ी वाले बना लीजिए, तो
तो जो भी आपके आसपास की सराउंडिंग में जो फिगर आप इजीली आपको अवेलेबल हो उसकी फोटोग्राफ क्लिक करें। फोटोग्राफ क्लिक कर लेने के बाद देन उसको चीज़ों में कन्वर्ट करना शुरू करें। ये चीज़ें दोस्तों मैं आपके सामने लाइव आके भी एक दिन समझाऊंगा, आई होप उस दिन आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में और चीज़ें अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे। चीज़ें दोस्तों आसान सच में बिल्कुल नहीं होती हैं, आर्ट फील्ड है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फील्ड में रहना है, फील्ड में टिके रहना है। क्योंकि देखिए लोग बहुत सारे एडमिशन्स हर साल होते हैं, कितने बच्चे कामयाब आर्टिस्ट बन पाते हैं, कितने बच्चे पीछे रह जाते हैं, सब जो है दोस्तों आप जानते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि आपके आसपास की सराउंडिंग में भी आप ना जाने किसको देख के मोटिवेट हुए हैं कि आपको आर्ट में आना है, आर्ट में और ज़्यादा नाम कमाना है। भी जो है बनाने की कोशिश की है, कुछ मेरे दोस्तों ने, बिगनर दोस्तों ने सजेस्ट किया था कि आप फेस में जो है फेस फीचर्स भी बनाने का जो है एक बार वीडियो ज़रूर दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वही चीज़ मैं जो है बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फेस काफ़ी छोटा रहता है तो उसके अंदर आप ना सिर्फ जो गेटअप है वो ये दे सकते हैं कि जो पूरे ओवरऑल फेस में हाईलाइटेड चीज़ है, जैसे मैंने मूछें बना दी हैं एंड मूछें बना लेने के बाद आँखों का जो एरिया है उसको आप थोड़ा सा जो है डार्क रखें इस तरीके से। ये देखिए डार्क मैंने कर दिया है, सो डैट बस वो एक फील आ जाएगा उसमें कि आपको एक फेस में ये फेस फीचर्स नज़र आ रहे हैं और आपकी भी तमन्ना पूरी हो जाएगी कि हाँ हमने अपने फेस फीचर्स ऐड कर दिए हैं अपने फेस में। और कुछ दोस्तों ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं है फेस फीचर्स ऐड करने का, बिल्कुल डिटेल के साथ ना घुसें फेस फीचर में, सिर्फ गेटअप देने की कोशिश के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आप दोस्तों फिर डिटेल जाएंगे तो फिर वो तो टर्म ही अलग हो जाएगी ना, रियलिस्टिक में फिर आप चले जाएंगे। तो बस मेन अपना कोशिश, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो मेन सिर्फ इस बात पर फोकस रखें कि आप पहले फिर पूरी बॉडी के बारे में सोचें देन उसको।
भीड़ आप दिखाना चाहते हैं या अपनी कंपोजिशन के अराउंड सराउंडिंग जो दिखाना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का टॉपिक आप लोगों के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।